हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगेड। और आज के इस वीडियो में बेटा, जो 11th कॉमर्स क्लास में जो ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री चल रही थी ना, उसका जो फोर्थ पार्ट है, ट्रेडिंग कम्युनिटीज और मर्चेंट कॉरपोरेशन, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से देखेंगे। तो बेटा देखो, ट्रेडिंग कम्युनिटीज वो कम्युनिटीज थी या जो मर्चेंट्स थे या जो गुड्स को बेचने वाले व्यापारी थे, वो कौन कौन से व्यापारी वहाँ पर पहले ज्यादा बहुत प्रसिद्ध थे, और साथ ही में इन जो व्यापारी है मतलब जो कम्युनिटीज थी ट्रेडिंग करने वालों की, इनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक कॉरपोरेशन भी बनाया गया था जिसको कि मर्चेंट कॉरपोरेशन कहा गया था। इसके क्या फंक्शंस हैं, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि बेटा हम ट्रेडिंग कम्युनिटीज की बात करें ना, तो उसमें वो सभी ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी शामिल थे जो उस जमाने में मतलब पुराने जमाने में ज्यादा फेमस थे। और इस तरह के जो व्यापारी थे वो भारत में कहाँ कहाँ फैले हुए थे, इन्हीं के बारे में हम इस टॉपिक में जानकारी लेंगे। यदि हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखें तो बेटा, जो भारत का नॉर्दर्न रीजन था ना, नॉर्दर्न का मतलब जो भारत का उत्तरी भाग था ना, उसमें ज्यादातर जो व्यापारी थे वो थे पंजाबी और मुल्तानी। अगर हम बात करें गुजरात और राजस्थान में जो काम करने वाले बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, होलसेल और ट्रेडर थे ना, उनको बेटा हम भट्ट कहा करते थे। और यदि हम साउदर्न रीजन की बात करें मतलब दक्षिण भारत में कौन कौन से व्यापारी फेमस थे, तो उसमें बेटा मेनली जो थे ना वो थे चाट वगैरह। इस तरह से यदि हम वेस्टर्न रीजन यानी पश्चिमी भाग की बात करें, भारत की पश्चिमी दिशा में जो ज्यादातर व्यापारी थे उनको हम महाजन कहा करते थे। यदि हम अर्बन सिटीज की बात करें मतलब भारत में जितने भी शहर थे, तो उन अर्बन सिटीज में जो फेमस ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी, जो माल को बेचने वाले व्यापारी थे, उनको बेटा हम नगर सेठ कहा करते थे। तो बेटा हमें इन 5 पॉइंट में ये पता चला है, जो गुड्स होते थे ना, स्पेशली जो प्रोडक्ट हुआ करते थे, उनको बेचने वाले व्यापारी कहाँ कहाँ काम किया करते थे और उनको क्या कहा जाता था। लेकिन हम अगर गुड्स के अलावा अगर हम सर्विस की बात करें, तो कुछ बेटा प्रोफेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज भी थी जो कि अपनी सर्विसेज वगैरह जो है प्रोवाइड करवाया करती थी। उनमें बेटा हाकिम और वैद्य हुआ करते थे, जिनको कि आज हम फिजिशियंस बोला करते हैं। इसी तरह से पुराने जमाने में वकील वगैरह, जिनको कि आज हम लॉयर वगैरह बोलते हैं। तो बेटा उस दौरान यदि कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता, कोई भी झगड़ा होता, तो उसको सॉल्व करने के लिए वहां पर वकील हुआ करते थे। अगर हम बात करें पंडित और मुल्ला की, तो बेटा पंडित और मुल्ला स्पेशली जो आज हम देखते हैं ना कि भाई मंदिर या मस्जिद में पूजा करवाते हैं, तो उस जमाने में बेटा वो पूजा तो करवाते थे लेकिन साथ साथ में टीचर का रोल भी प्ले किया करते थे। तो उस दौरान की जो सोसाइटी थी उनके बच्चों को पढ़ाने का काम पंडित और मुल्ला भी किया करते थे। और उसी जमाने में बेटा पेंटर्स भी हुआ करते थे और म्यूजिशियंस भी हुआ करते थे। यदि हम बात करें मर्चेंट कॉरपोरेशन की, तो बेटा मर्चेंट कॉरपोरेशन इज ए कॉरपोरेशन विच वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मर्चेंट्स। तो उस जमाने में जो भी मर्चेंट हुआ करते थे ना, मतलब सामान को बेचने वाले जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए मतलब उनके फायदे के लिए, या उनको बिजनेस करने के दौरान कोई समस्या का सामना न करना पड़े, तो इस चीज को निश्चित करने के लिए बेटा एक कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया था पुराने जमाने में, जिसको कि बेटा मर्चेंट कॉरपोरेशन कहा गया था। और इस मर्चेंट कॉरपोरेशन का मेन काम यही था कि भाई मर्चेंट वगैरह जो है, जो भी ट्रेडर्स हैं, होलसेलर वगैरह, ट्रेडर वगैरह, तो उनको अपना बिजनेस करने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। दैट हैड देयर ओन रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स। और बेटा जो मर्चेंट कॉरपोरेशन था ना, इसके जितने भी मेंबर्स थे, तो इनके अपने रूल्स हुआ करते थे और अपने कोड ऑफ कंडक्ट हुआ करते थे। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब भी बेटा एक तरह से रूल्स ही होते हैं कि भाई व्यापारियों के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स कर दी गई थी जिसका की पालन करके वो अपना बिजनेस कर सकते थे। तो इस तरह की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको कोड ऑफ कंडक्ट कहा गया, विच इवन किंग्स वर सपोज टू एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट। और जो भी ये मर्चेंट कॉरपोरेशन के द्वारा रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए थे ना, इनका रेस्पेक्ट और इन रूल्स को बेटा किंग्स को भी मानना पड़ता था। उस जमाने में जो राजा महाराजा थे वो भी इन रूल्स को माना करते थे। यदि हम बात करें जो मर्चेंट कॉरपोरेशन बना हुआ था ना बिजनेसमैन की सुरक्षा के लिए, तो बेटा ये जो मर्चेंट कॉरपोरेशन के मेंबर थे या जिस भी तरह का ये कॉरपोरेशन था ना, तो उसके क्या क्या काम हुआ करते थे, उनका पुराने जमाने में क्या रोल था, तो यही टॉपिक बेटा इस हेडिंग के अंतर्गत हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, यानी कि जो पहला काम था उनका ये था कि द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ दिस कॉरपोरेशन। ये जो कॉरपोरेशन बनाया गया था, तो उसकी इनकम का जो मेन सोर्स था ना, वो था बेटा ट्रेड और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितने भी टैक्स वगैरह थे वो चार्ज किया करते थे व्यापारियों से। सेकंड था बेटा, ट्रेडर्स हैड टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स। और ट्रेडर यानी जो व्यापारी लोग थे, जितना भी आयात किया करते थे उस पर कुछ निश्चित राशि का जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी के नाम पर टैक्स पे किया करते थे इस मर्चेंट कॉरपोरेशन को।
टैक्स रेट्स वेरीड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। और बेटा जो प्रांत वगैरह बने हुए थे ना वहाँ पे, आज तो जैसे हम देखते हैं ना राज्य होता है, स्टेट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, तो वहां पर इसी की तरह पहले बेटा प्रोविंस कहा जाता था इनको। तो जो प्रोविंस होते थे, जो भी प्रांत वगैरह हुआ करते थे, वहां पर जो ये टैक्स की रेट्स थी ना वो अलग अलग हुआ करती थी। द फेरी टैक्स वॉज पेड फॉर पैसेंजर्स, कैटल्स एंड कार्ट्स। और इसी तरह से पैसेंजर यात्रा कर रहे हैं और जो कैटल्स वगैरह थी और जो कार्ट्स बैलगाड़ियां थी, जिसको कि आज हम टोल टैक्स के नाम से कहते हैं ना, तो इस तरह के टैक्स भी वसूला करते थे और इन टैक्स को बेटा फेरी टैक्स कहा जाता था। अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो जो लोकल बॉडी थी ना कॉरपोरेशन की, मतलब जो ये मर्चेंट कॉरपोरेशन था, एक बहुत बड़ा कॉरपोरेशन या बड़ा ग्रुप था, तो इन्होंने क्या है जगह जगह पर अपनी ब्रांचेज भी इस्टेब्लिश कर ली और उन ब्रांचेज को बेटा लोकल बॉडी कहा जाता था। तो जो लोकल बॉडी थी ना वो कौन से टैक्स चार्ज किया करती थी? लेबर टैक्स। अगर हम बात करें सिक्स्थ पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है द चीफ ऑफ कॉरपोरेशन डील्ड विद किंग। जो भी इस कॉरपोरेशन का चीफ था, मुखिया जो था, वो राजा के साथ में डील किया करता था। डील का मतलब ये होता है जितना भी टैक्स इन्होंने कलेक्ट किया है तो उसकी जानकारी राजा को दिया करते थे। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, तो इसमें लिखा हुआ है द मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन बिल्ट टेंपल्स फॉर द सोसाइटी बाय यूजिंग टैक्स मनी। और जो भी मर्चेंट कॉरपोरेशन था, इसके पास में जितना भी टैक्स का पैसा आता था ना, तो उसका कुछ हिस्सा बेटा वो सोसाइटी के लिए मंदिर बनाने में खर्च कर दिया करते थे। तो इस तरह से बेटा पुराने जमाने में जो मर्चेंट कॉरपोरेशन थे वो काम किया करते थे। तो उम्मीद है बेटा आपको ट्रेडिंग कम्युनिटीज और जो मर्चेंट कॉरपोरेशन है उसके बारे में पूरी और अच्छी जानकारी मिल गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें, तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।